हेलो एवरीवन, खुशवंती आज आपके सामने फिर एक कहावत, उसकी कहानी और उसका अर्थ लेके आई है। पूरी सुनिएगा वीडियो, अच्छा लगेगा। कहावत है बंद मुट्ठी सवा लाख की। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक समय एक राज्य में राजा ने घोषणा की कि वह राज्य के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए अमुक दिन जाएंगे। बस ये सुनते ही उस मंदिर के पुजारी ने मंदिर को सजाना शुरू किया। आसपास के लोगों से 6,000 रुपये कर्जा लिया ताकि मंदिर में रंग रोपण करा सके, उसकी सजावट कर सके, अच्छे से साफ सुथरा कर सके। और जैसे ही राजा पहुंचे मंदिर में पूजा करने, मंदिर तो चकाचक चमक रहा था। राजा बड़े खुश हुए, उन्होंने पूजा अर्चना की और बस जाते समय आरती में 4 आना यानी 25 पैसा चढ़ाए और अपने राज्य में चले गए। राजा के जाते ही पुजारी बहुत दुखी हुआ और गुस्सा भी आया। इतना बड़ा राजा और सिर्फ 4 आना चढ़ाया, इसका तो कोई राजा को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन अब कर्जा उतारूंगा कैसे। उसने एक उपाय खोजा। उसने अपने हाथ में जो चढ़ावे में 25 पैसे रखे हुए थे 4 आना, उसे अपनी मुट्ठी में बंद किया और मंदिर के बाहर आके घोषणा कर दी कि राजा ने जो भी मुझे चढ़ावा दिया है वो मेरी इस मुट्ठी में है और इसको मैं नीलाम करना चाहता हूँ, मुझे रुपयों की ज़रूरत है। जो कोई भी नीलामी में सबसे ज़्यादा पैसे बोलेगा ये मैं उसे दे दूँगा। फिर क्या था, पूरे लोग इकट्ठे हो गए और सबने सोचा राजा ने तो ज़रूर कोई बहुत ही महंगी चीज़ दी होगी, तो बोली कम से कम 10,000 से तो शुरू करनी ही चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा 10,000, तो दूसरे ने कहा 15, तीसरे ने कहा 20 और उस बंद मुट्ठी की कीमत बढ़ते बढ़ते 50,000 रुपये तक पहुंच गई। और ये बात तुरंत राजा तक पहुंच गई कि अरे आपने क्या जो मंदिर में चढ़ाया है उसकी तो वो नीलामी कर रहा है और उसकी कीमत तो 50,000 तक पहुंच गई है। राजा ने तुरंत अपने दूतों को भेजा और कहा पंडित को तुरंत बुला के लाओ। पुजारी महल में आया। राजा ने कहा मैंने तुम्हें जो दक्षिणा दी है, तुम्हारे मुट्ठी में है, ये तुम किसी और को मत दो, मैं ही तुमसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे ही वापस दो। तुम्हें अभी 50,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं तुम्हें 1,25,000 रुपये देता हूँ और तुम्हारी मुट्ठी में जो है वो तुम मुझे बेच दो। फिर क्या था, पुजारी के तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वो जो हाथ में उसकी मुट्ठी में 4 आने थे वो राजा को दिए और राजा ने उसे 1,25,000 रुपये देके पूरे गांव में, पूरी नगरी में अपनी इज्जत बचाई। नहीं तो लोग क्या सोचते, राजा ने क्या दिया था 4 आना मंदिर में। तो राजा की तो अपनी इज्जत बचाई और पुजारी को 1,25,000 रुपये मिल गए। तभी से ये कहावत है कि बंद मुट्ठी 1,25,000 की, खुल गई तो खाक की। यानी अगर वो मुट्ठी वो खोल लेता किसी और के सामने पुजारी, तो राजा की इज्जत तो खाक में मिल जाती कि एक राजा ने सिर्फ 4 आना चढ़ाए। लेकिन जब तक वो बंद थी और उसकी कीमत कहाँ तक पहुँच गई, 1,25,000 रुपये। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है, बल्कि विश्वास है आपको ये कहानी, इस मुहावरा, इसका अर्थ अच्छा लगा होगा। ये हमें ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सिखाता है कि अगर कई बार हमारे मन लायक परिस्थितियां नहीं हो, कोई चीज़ें जो हम चाहते हैं वो वैसी नहीं मिले, तो निराश न हो कि अगर हम और कोई रास्ता खोजें। और ज़रूरी नहीं कि वो रास्ता किसी और को बदनाम कर गई हो, कोई ना कोई बीच का एक रास्ता निकाल सकते हैं और हमारे जो चाहते हैं वो हमें भी मिल जाता है और सामने वाले की भी इज्जत रह जाती है, जैसे इस पुजारी ने किया और खुद अपनी राजा की भी इज्जत बचाई और खुद भी खूब पैसे वाला धनवान हो गया। Thanks for listening. Have a great time. God save us all.